अंजा नगर की आशीर्वाद जाट कॉलोनी में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन होगा। नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर में सालासर बालाजी और पशुपतिनाथ शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पंचकुंडीय यज्ञ के साथ वैदिक मंत्रोच्चार से होगी। समिति के सदस्य और ट्रस्टी ने जानकारी दी कि प्रथम दिवस कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, द्वितीय दिवस गणेश पूजन, स्थापित देवताओं का पूजन, तृतीय दिवस खाटू श्याम जी शयनाधिवास आरती, सुंदर कांड श्याम भजन कीर्तन, अंतिम दिन प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ पूर्णाहुति और विशाल भंडारा किया जाएगा। आयोजन में संत सियाराम बाबा, संत श्री योगेश्वर जी, संत राघवेंद्र जी, राम रिचपाल जी भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अंजल से महेंद्र भावसार की रिपोर्ट। आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूँ अंजल के नवनिर्मित खाटू श्याम जी मंदिर में। इस मंदिर का भव्य आयोजन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह, पंचकुंडी महायज्ञ और विशाल भंडारा का आयोजन हो रहा है। मंदिर खाटू श्याम समिति के अध्यक्ष नितेश जी बंसल हमारे बीच है। नितेश जी, मंदिर किस उद्देश्य को लेकर बनाया है? आम जनता के लिए कलयुग के देवता श्री खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें भारतवर्ष से सभी श्याम भक्त और आम जनता दर्शनार्थ के लिए आ रही है। ये मंदिर की लागत क्या है? ये मंदिर की लागत लगभग 85 लाख रुपये आई है और 15 से 20 लाख रुपए प्राण प्रतिष्ठा और पंचकुंडी यज्ञ में लगेंगे। पंचकुंडी यज्ञ और भंडारे में 15 से 20 लाख लगने की उम्मीद रखी है। और जो मंदिर आपने बनाया है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा किन किन की होती जाएगी? इनमें खाटू श्याम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, साथ में पशुपतिनाथ भगवान का पूरा परिवार, शिव परिवार और सालासर बालाजी का पूरा परिवार, जिसमें राम दरबार वगैरह भी सब रहेंगे। ये आयोजन कितने दिन का, कब से कब तक रखा है? ये आयोजन 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर 4 दिवसीय है। इसमें 29 तारीख को सर्वप्रथम कलश यात्रा नगर में भ्रमण करेगी, जिसमें सभी मूर्तियां भी विराजित होगी और नगर भ्रमण करेगी। तत्पश्चात 11 बजे हवन चालू होगा, यज्ञ चालू होगा, जो पहले दिन 29 तारीख को शाम को 6 बजे तक चलेगा। इसी प्रकार 30 तारीख को यज्ञ, 1 तारीख को यज्ञ और 2 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। उसके पश्चात विशाल भंडारा और भोजन प्रसादी का वितरण किया जाए। इस आयोजन में कहाँ कहाँ के संत अंजड़ आ रहे हैं? इसमें त्रिवेणी धाम से श्री रिचपाल जी महाराज जी और सियाराम बाबा जी तिलिया बट्टियान से एवं योगेश जी महाराज जी बालीपुर धाम से पधार रहे हैं।